आगरा के खंदौली के नगल मट्टू में पुलिस द्वारा छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज न करने पर महिला द्वारा बीती रात को छत पर लगे पंखे के कुंडे पलटक कर आत्महत्या कर ली। महिला की मौत की खबर सुनते ही गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस जब महिला के शव को ले जाने लगी तो गांव वाले ने विरोध करते हुए शव को ले जाने से मना कर दिया और उच्च अधिकारियों के आने की मांग की। सूचना पर ACP एदमापुर रवि कुमार गुप्ता मौके पर पहुंच गए। जानकारी के अनुसार खंदौली नगला मटकी निवासी स्वराज बाबू उपाध्याय बुधवार की शाम को अपने बेटे के पास से वापस आ रहे थे। उन्होंने अपने घर पर अपनी बहू शारदा देवी से फ़ोन पर बात की, मंदिर के पास आकर सामान ले जाने की बात कही। जब तक स्वराज उपाध्याय मंदिर पर आ पाते अपने ससुर सुराज बाबू का इंतजार कर रही बहू शारदा देवी मंदिर पर खड़ी थी। उसी दौरान गांव के ही संदीप पुत्र काली आया और शारदा देवी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। जब शारदा देवी ने विरोध किया तो संदीप हाथ पकड़कर शारदा को खेत में खींचकर ले जाने लगा। शारदा देवी चिल्लाई, उसी दौरान वहां से निकल रहे वीरों को देखकर संदीप वहां से भाग खड़ा हुआ। ससुराल के आने बहू ने इस बात की जानकारी उन्हें दी। ससुर सुराज बाबू और शारदा देवी थाना खंदौली शिकायत करने पहुंचे। पुलिस द्वारा शिकायत पर कोई सुनवाई न करने पर ये मामला आगे पहुंचा। जब इसके बाद उनकी सुनवाई नहीं हुई तो महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो इस हिसाब से उनके खिलाफ कुछ ना कुछ कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या हुआ था आपकी भाभी के साथ? क्या हुआ था भाभी के साथ? हुआ ये, जैसे कि पिताजी मेरे साथ से आए हुए थे उस दिन परसों शाम के समय, तो मैंने उन्हें बताया कि उनके पास कुछ सामान है, कपड़े वपड़े भी हैं, तो दो बैग हो गए थे, वो चल नहीं पाते हैं रात में, वो दिखता भी कम है और रास्ते में कीचड़ भी बहुत पड़ती है गाँव में घुसते ही, तो मैंने चले जाओ। तो वो 5:30-6 के आसपास शाम को चली गई, तो वहाँ पे एक संदीप करके सिंटू करके लड़का था संदीपा, तो उन्होंने उसके साथ भाभी के साथ छेड़छाड़ की, बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बात की, बोला कि 2000 रुपये दूंगा ये वो है। और फिर हम इसके खिलाफ रिपोर्ट करने भी गए, सुबह भी रिपोर्ट की उन्होंने और शाम को रिपोर्ट करने गए तो जो एक अर्जुन सर करके थे इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने हमें उल्टा हड़काया गया कि हमें पता है तुम सब एक दूसरे चिढ़ते हो, चिढ़ भरी हुई है, पार्टी बल रही है, मैं सबको देख लूँगा और उन सब के खिलाफ 100 लोगों के खिलाफ उन्हें चालान सीट भेजनी है ये वो है। और कोई सांत्वना नहीं दी और ना ही कोई पुलिस टीम भेजी गई हमारा, अगर कोई पुलिस टीम भेजी गई होती तो ये मतलब जो घटना नहीं घटती। इस समय मेरी भाभी डेथ हो गई है, ख़त्म हो गई है और उनका छोटा बच्चा भी है 5 साल का, उसे ये भी नहीं बताया कि मेरी माँ खत्म हो गई है, बेचारा वो घूम रहा है, रोटी खा रहा है इधर उधर भूख। आज दिनांक 23/12/2022 थाना खंदौली पे सूचना मिली है, नगला मट्टू जो गांव है, यहाँ पे एक महिला जिसकी उम्र लगभग 28 साल है, जिसने आत्महत्या कर ली है। तत्काल मौके पे पुलिस पहुँची है, परिजनों से तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। जो बॉडी है इसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी। जो इसमें आरोप लगाए गए हैं कि इसमें पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई नहीं की गई है, इसके संबंध में प्रारंभिक जांच कराई जा रही है। साथ के साथ निष्पक्ष जांच हेतु संबंधित जो SI हैं उनको तत्काल प्रभाव से लान हाजिर कर दिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है या फरार हैं सभी? अभी जो सूचना भी तुरंत मिली है, एक व्यक्ति को डिटेन किया गया है। तहरीर प्राप्त होने के बाद जो मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा उस संबंध में उससे गहनता से पूछताछ करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।